अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया है क्योंकि 1K हमारे कंप्लीट हो गए, तो उसी खुशी में मैंने केक बनाई थी घर ही में, क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। तो बस मैंने सोची रेसिपी शेयर करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बॉल ले ली हूँ, आप किसी भी मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बॉल ले ली हूँ। अब बॉल में मैदा, कोको पाउडर, ये सब चीज़ डालते जाएंगे। तो सबसे पहले एक कप मेजर कर लेंगे, वही कप के मेजरमेंट से हम हर चीज़ मेजर कर करके डालेंगे। तो 2 कप मैंने डाली हूँ मैदा और ये डाली हूँ मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम कोको पाउडर है। तो कोको पाउडर थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि एकदम बराबर का डाल देंगे ना मैदा, जितना कोको पाउडर होता है तो कड़वा हो जाएगा केक। और ये मैंने डाली पीसी हुई शक्कर 1 कप भर के। उसके बाद मैंने 1/2 कप और डाली क्योंकि मुझे थोड़ा फीका लग रहा था। और 1 से 6 कॉफ़ी का डाली थी मैंने। और 1 ही टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसको ड्राई, जितने भी हमारे ना ये है मैदा, कोको पाउडर, ये सब चीज़ ड्राई ही एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे डाली थी मैंने 1 अंडा, अगर अंडा चाहिए तो स्किप भी कर देना, तब भी बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी केक बनेगा, बहुत मज़ेदार। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल डालकर उसको बहुत अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे हम लोग। तो ये एकदम नॉर्मल दूध है, एकदम रूम टेम्परेचर का, जैसे गर्म करके हम ठंडा कर लेते ना वैसे वाला। और ये 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी थी ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर सॉफ्टनेस, फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड जैसे केक बनेगा, तो इसलिए ऑयल डालेंगे। और ये मैंने डाली हुई वनीला एसेंस, 4 से 5 स्पून डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, तभी भी केक अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखो एक ऐसी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए रिबन वाली, कि मतलब हम लोग ऐसे करें तो एक रिबन के शेप में नीचे गिरना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ली थी केक टिन। अब केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और उसके अंदर डालेंगे बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जो बुक का पेज रहता है ना उसके ऊपर भी ऑयल जब लगा दो तो सेम टू सेम बटर पेपर का काम करता है। जैसे कि मैंने ले ली हूँ यहाँ पे एक बुक का पेज और उसी के ऊपर बनाई थी, क्योंकि मेरा भी बटर पेपर पूरा ख़त्म हो चुका था। और बिगर ओवन सब चीज़ कुछ भी नहीं है हमारे पास, ओवन वगैरह कुछ नहीं, कढ़ाई में बहुत अच्छा वाला केक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दी थी और इसके अंदर रख दी थी स्टैंड, और स्टैंड इतना रखी थी कि उसके अंदर वो डूब जाए। उसको अच्छे से टैप कर करके हम लोग चढ़ा देंगे एकदम फुल फ्लेम पर। और ये अच्छा से जो उसके ऊपर ढक्कन ढाकने का रहेगा ना, हमको एक कॉटन का कोई भी कपड़ा डाल देंगे ताकि उसके ऊपर जो भाप बने वो हमारे केक के ऊपर ना गिरे। और ये देखो 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा सा ऊपर आने लगा था मेरा केक पक कर, इतना अच्छा लग रहा है देख कर ना, बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ओवन नहीं रहकर भी हमारा केक बहुत अच्छा रेडी होएगा। ये देखो और ज़्यादा फूल गया। अब दूसरी तरफ मैं गनाश की तैयारी करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली थी 1 पतीली और उसके अंदर डाली मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर। गनाश बहुत ही अच्छा रेडी होता है, इतना अच्छा ऐसे चॉकलेट सिरप जैसे तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो 2 चम्मच कोको पाउडर और वही से 1 चम्मच मैंने डाल ली थी मैदा और ये 1 पैकेट कॉफ़ी का, वो जो 2 रुपये वाला आता है ना वही वाला, सेम टू सेम। और यहाँ पे डाल दी थी मैंने शक्कर 1 छोटा सा कप भर कर, वही वाला सेम टू सेम। इसमें पीसी भी शक्कर डालेंगे तभी भी चलेगा, बट मेरी फिनिश हो गई थी तो मैंने अखी वाली डाल दी। और इसको बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे, ये देखो वो जल्दी से मिक्स होता नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा विस्क करके उसके बाद ही चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे। और चढ़ा देंगे जब चूल्हे पर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकेंगे और एकदम फुल आँच पर उसको हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और ये देखो कम से कम 10 से 12 मिनट हो गया था ये केक, तो मैंने सोचा चलो चेक करके देखते हैं। तो इसके अंदर एक कोई भी स्टिक डाल के या तो नाइफ डालकर चेक करेंगे। ये देखो केक लेकिन अभी पूरा कच्चा है मेरा बीच में, तो मैंने फिर से इसको रख दी और मैं आ गई फिर से मेरे गनाश की तरफ। और ये देखो गनाश कितना अच्छा रेडी हो गया था मेरा, बहुत ही अच्छा, लेकिन हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है गनाश में, वरना फिर उसके अंदर गुठली पड़ जाएगी तो गनाश बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। और इसके अंदर डाल दी हूँ मैं वनीला एसेंस, वही 4 से 5 स्पून डालेंगे, बहुत अच्छा एसेंस गनाश हमारा रेडी होएगा। बस गनाश में यही है कि हमको हाथ नहीं रोकना है ताकि उसके अंदर गुठली वगैरह ना पड़े, तो बहुत अच्छा वाला गनाश रेडी होगा। तो ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई, बहुत ज़बरदस्त बना था गनाश। अब उसमें शर्त यही है कि बस उसको चलाते जाना है, गनाश हमारा रेडी होते जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं टाइम लगता है, फटाफट हो जाता है वो। और चूल्हा बुझा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे उसके अंदर बटर। बटर डालने के बाद क्या शाइनिंग आती है ना गनाश में, कि पूछो ही मत। ये देखो बटर डालने के बाद
बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मेरा केक जैसे जहाँ तक लगा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो जहाँ से मैंने चेक करी थी देखो वहाँ पे कच्चा था तो उसके अंदर पूरा लग गया था। अब सेकंड साइड से मैंने चेक करी, एकदम क्लीन निकली मेरी कांडी, है ना, देखो हर तरफ से पक चुका था। तो बस मैंने निकाल ली वो केक और उसको ठंडा करने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे मेरा केक हो गया एकदम ठंडा। मैं बोली चलो अब इसको फटाफट से डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाली हूँ, डेकोरेशन करने बैठी और ये देखो कितना ज़बरदस्त निकल गया। आजू बाजू का छुरी डाल कर निकाल लेंगे और पलट देंगे ना तो फौरन निकल जाएंगे। और ये भी देखो बटर पेपर का काम करता है ना, पेपर जो रहता है बुक का मतलब, भाई कितना नरम स्पंजी बना था मेरा केक, देखो बहुत ही नरम बना था। मतलब इतना नरम बना था ना जब उसको मैंने कट करी ना तो बीच का पार्ट टूट भी गया था। तो छुरी वगैरह से बिल्कुल नहीं काटेंगे। मैं सबसे बेस्ट दूंगी अगर एडवाइस केक कटिंग करना है तो धागे से, इससे अच्छा मतलब केक कट हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलूँगी कितनी भी अच्छी छुरी रहने दो, तो मैं हमेशा केक धागे से ही कट करती हूँ। तो मैंने इसकी 3 लेयर निकाली थी, तो ये सबसे टॉप वाली लेयर निकालेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इतना स्मूथली और इतना फिनिशिंग में कटता है मैं धागे से कि मैं क्या ही बताऊँगी। ये देखो टॉप लेयर निकाल देंगे, उसको साइड में रख देंगे। देखो कितना अच्छा निकला, बिल्कुल ना आड़ा ना टेढ़ा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से निकल जाता है। और ये सेकेंड लेयर मैंने काटना शुरू करी। और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे नीचे गनाश, ताकि जब हम केक रखें ना तो यहाँ वहाँ हिले नहीं, तो इससे स्टिक हो जाएगा हमारा केक एक जगह पे। तो ये सबसे पहले रख दी मैंने बीज का हिस्सा, जो बीज का हिस्सा निकला था ना वो मैंने नीचे डाली। और ये बैठी है मेरी महारानी, बोल रही है मैं असेंबल करूँगी, मैं डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि इसने अपने इसकी स्कूल में भी था ना केक का डेकोरेशन कॉम्पिटिशन, तो उसमें एक्टिविटी थी एक्चुअली वो, तो उसमें उसने करी थी बहुत ही अच्छे से करी थी। तो बोल रही अम्मी मैं ही करूँगी, तो मम्मी चलो करो, तो बस वही कर रही थी। और ये देखो उसके ऊपर गनाश लगा देंगे। उसके ऊपर गनाश लगाने के बाद चौको चिप जो होती है वो भी हल्की हल्की डालेंगे, बट मैंने नहीं डाली। और ये देखो बीच का हिस्सा मेरा टूट गया, ये जो सबसे ऊपर का टॉप लेयर थी ना ये वाला मैं बीच में डाल रही हूँ, लेकिन वो टूट गया था तो क्या हुआ, जाने दो, बीच में रखना है ना हमको, चलेगा। तो ये बीच में डाल देंगे और जो सबसे लास्ट वाली लेयर रहेगी वो सबसे ऊपर रखेंगे। और उसको भी पूरा पूरा चारों तरफ से आजू बाजू सब तरह से गनाश से पूरा पैक कर देंगे और जो टॉपिंग चाहिए वो टॉपिंग डालकर उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा केक एकदम रेडी हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त था, यमी सा बहुत ही अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था। अगर ओवन नहीं भी है घर में तो हम ये वाला स्टेप फॉलो करके बहुत ही अच्छा वाला केक रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, क्योंकि जिंदगी जीने का यही है तरीका। अल्लाह हाफिज़।